हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाय फ्रेंड्स, होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, बट ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। आज आप सोच रहे होंगे हम लोग ऐसे क्यों बने हैं, तो सोए हुए क्यों उठे हैं? आज है ट्यूसडे, आज हमारी है छुट्टी, वीकली ऑफ। हमने सोचा क्यों ना आज हम ब्लॉग घर का ही बनाए, घर से शुरू करें। तुम पहले अपना ब्रेकफास्ट बनता हुआ दिखा देते हैं। चलो पहले है। हम ब्रेकफास्ट करेंगे, बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम किचन में आ गए हैं और हमारा बन रहा है आज नाश्ता पालक वाली रोटी पराठा और वो भी मिट्टी के तवे पे। तो मैंने सोचा क्यों ना पालक वाला पराठा बनाया जाए, क्या बोलते हैं आप? पालक का पराठा रेडी हो रहा है और नए स्टाइल में पालक बाद में खाया जाएगा। वो तो खा ही जाएगा, सभी खाते हैं, हम भी खाएंगे। जब मैं इतना अच्छा पराठा बनाऊंगी तो नेचुरल है खाया भी जाएगा। फ्रेंड्स, ये ना पता नहीं कौन कौन से तरीके से पराठे बनाती रहती है, ये एक पालक के पराठे को चाकू से काट रही है। इसको कहते हैं लच्छा पराठा, और जब ये बनेगा ना लच्छा पराठा तो आप भी बोलोगे क्या बात है रोमा, कितना मस्त बनाया है, इसके सारे लच्छे निकल आएंगे, एक एक लच्छा दिखेगा इसका। पता है आपको योगी, मैं बनाती थी ना, आप कहते थे रोमा ये लच्छे कैसे निकाल रही है इसमें। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये बता दिया जाए कि रोमा ना पीछे गढ़वाल से बिलोंग करती है, तो इसके खून में शेफ है। और वो जो कल का ब्लॉग आपने देखा है, योगेश कह रहे हैं ना कोदा कोदा, तो गढ़वाली में ना वो रागी के आटे को, रागी को कोदा बोला जाता था पहले। जब गांव में गढ़वाल में बहुत गरीबी होती थी, गेहूं का आटा बहुत कम लोग खाते थे, तो उस टाइम कोदे की खेती होती थी, रागी की खेती ज़्यादा होती थी और हेल्दी भी है रागी, आयरन फाइबर्स बहुत कुछ है उसमें। तो उस टाइम गढ़वाल में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती थी और आज की वहाँ की ये डिश बन चुकी है देखी जाए तो। यहाँ के शहरों की ना रागी की एक अच्छी हेल्दी डिश बन चुकी है। उसको हेल्दी डिश बोला जाता था पहले, तो कहा जाता था गढ़वाल में बहुत गरीबी थी पर गोल्ड बहुत ज़्यादा था गढ़वाल में। गरीबी थी पर हाँ, जब इंदिरा गांधी ने विजिट किया था तो वहाँ सबसे पहले ये कहा था कि भैया ये सोने की चिड़िया तो आज मैंने देखी है हिंदुस्तान की। गढ़वाल टेरी गढ़वाल और कुमाऊ। फ्रेंड्स, पराठा सिक रहा है जिसे मैं सेकने की कोशिश करता हूँ। ये तो योगेश को कुछ नहीं है, पराठा सेकना है मेरे को। पराठा सेकने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। हाँ, सेको। तो फटाफट हम अपना नाश्ता बनाते हैं, फिर नाश्ता बना के देखते हैं कैसा सिकता है आज पराठा। हाँ, आज योगेश सेक रहा है ना, तो वैसे भी खाना बहुत अच्छा बनेगा। अब ये नहीं कह सकते कि हमारे मेरे सेकने से खाना अच्छा बनेगा। ये तो होता है आपको कि बस मैंने अगर चाय भी बनाई है ना रोमा, तो ये बता चाय कैसी बनी है। तो यार पूछने में क्या हर्जा है, मैं तो रोज चाय बनाती हूँ, आपको रोज तो बनी है। तो तेरे को रोज पूछना चाहिए कि कैसी बनी है चाय, रोज जैसी बनी है नहीं बनी है। आज छुट्टी है ना, आपको पंगे लेने हैं कुछ ना कुछ। नहीं, पंगे नहीं लेने हैं, छुट्टी वाले दिन तो पंगे लेने ही चाहिए, नहीं तो कैसे पता लगेगा हस्बैंड वाइफ कौन है। जैसे कल हमारे बैंक वाले नवीन जी ने बोल दिया, आज मुझे समझ में आ गई आप हस्बैंड वाइफ भी हो। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा एक बात बताओ नवीन जी, आज तक आपको क्या हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नजर आ रहे थे? कह रहे जिस हिसाब से आपकी लड़ाई हो रही है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। यार ये पराठा सेकना ना मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, कहीं जल ना जाए पराठा। नहीं जलेगा, नहीं जलेगा कैसे रोमा, ऐसे कैसे जल जाएगा हमारे होटल में। हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छा सेक देते हो, ये तो बच्चों को भी पता है आपका। नहीं कई बार हो जाती है, ऐसा नहीं है, मैं भी आफ्टर ऑल इंसान हूँ। अब एक काम करते हैं, पराठे सेक कर फिर मिलते हैं ब्रेकफास्ट पर। ब्रेकफास्ट रेडी, अब हमने शुरुआत करेंगे ब्रेकफास्ट की। कौन सा खाना है तुम्हारा? ट्रायंगल वाला। मेरा तो ट्रायंगल वाला बेस्ट, मुझे ट्रायंगल पराठा पसंद है। और मेरा गोल पराठा। और योगेश को लच्छा पराठा गोल वाला। पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि गोल पराठे में क्या होता है और ट्रायंगल में क्या होता है। ये तो तुम्हें पता होगा डिफरेंस। और साथ में अचार, मिक्स अचार है जो रोमा ने घर में बनाया है, गोभी गाजर
और हरी मिर्च, हरी मिर्च भी है इसमें। देखो टेस्ट करो कैसा लग रहा है। ये अब खुला है, जब अचार बना है ना फर्स्ट टाइम खुला है। तेरे को क्या दूं? मूली, मूली, हरी मिर्च, हरी मिर्च नहीं, वो वाली दो बड़ी वाली, ये वाली गोभी जो आपको पसंद है थोड़ा ना मैं खाऊंगी, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी पसंद का ब्रेकफास्ट। देख लो कितनी लड़ाई करते हैं, देखा लोग बोलते हैं हम लड़ाई नहीं करते। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, साथ में है पालक की थोड़ी सी सब्जी भुर्जी, और ये है योगेश का। कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा, मस्त। रोमा नाश्ता कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। और ये हमारा पालक वाली भूत जो इंतजार कर रहा है। हाय मेरा बच्चा, इसे रोटी मिलेगी, ये रोटी नहीं खाता। पर गरम गरम चाय शुरू, गरम गरम चाय। हमने अपना ब्रेकफास्ट कहाँ किया? आज हमने अपना ब्रेकफास्ट किया है हमारी पार्क वाली बालकनी में, गार्डन बालकनी। यस, नहीं पार्क वाली बालकनी, पार्क वाली थी, पार्क वाली। यस, ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद ये गरम गरम चाय। ये हमारी डाइनिंग टेबल है, अब चाय हम डाइनिंग टेबल पे पी रहे हैं। तुरमा आज का कुछ प्लान है? पता नहीं, अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो धूप तेज है, मन कर रहा है धूप में बैठ जाओ। अभी तो हाँ यही दिल कर रहा है। हालांकि ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो लगा हुआ है हमारे घर के बिल्कुल नजदीक है, कल दिखाएंगे। चलो ठीक है, फिर कल ही चलते हैं एक्सपो में। आपका मन आज धूप से आपका जाने का कहीं नहीं। अभी तूने भी तो ये बोला ना कि तेरे को पेन हो रहा है स्टमक वाला, तो फिर थोड़ा आराम करना भी जरूरी है यार, उसका वो सेहत का भी ध्यान करना जरूरी है भाई। क्योंकि मैं अगर बिस्तर पे पड़ गई तो योगेश को ही सारा खाना करना पड़ेगा, और यू नो यार क्या करूँ, वो मैं काम वाली रख नहीं सकता, मुझे नहीं अच्छी लगती। दोस्तों ये जो इसने ओढ़ रखा है ना, ये इसका गरम वाला दुपट्टा, जिसको इसने पोंचो की शेप में घर में बना लिया। इतना अच्छा है, नहीं तो मैं शॉल लेती नहीं थी, ये बन गया मेरा पोंचो। शॉल की जगह पोंचो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, पहना हुआ भी अच्छा लग रहा है और लुक भी अच्छी दे रहा है। रीजन ये, बार बार शॉल को ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, बस पोंचो को गले से नीचे डाल दो, शॉल की शॉल हो गई और गर्मी की गर्मी मिल गई। रोमा न्यूज में देख रहे हो क्या, बर्फबारी हो रही है कश्मीर में, कश्मीर रज बिल्कुल हूबहू स्विट्जरलैंड लग रहा है, सफेद चादर बर्फ की बिछी हुई अच्छे से। हमारे रामगढ़ में भी होगी मिस्टर भाटिया। हाँ रामगढ़ में भी बर्फबारी होगी, आप मान लो 20 या 25 तारीख तक हो जाएगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम लोग रामगढ़ नहीं जा पा रहे हैं, तो जो हमारे रामगढ़ के व्यूअर है प्लीज कमेंट बॉक्स में तो लिखा करो यार, बर्फ हुई बारिश हुई कुछ तो लिखा करो यार, हमें भी इंफॉर्मेशन नोएडा बैठ के मिल जाए। हाँ हम लोग रामगढ़ पहुंचेंगे, फिर हमारे पास टॉपिक्स की कोई कमी नहीं है, फिर तो आपको सीनिक व्यूज दिखा दिखा के ही हम इतना मन लुभा लेंगे कि आपको बिल्कुल ब्लॉग से हटने का मन ही नहीं करेगा। उसकी बातें शुरू हो गई तब तक ब्रेकफास्ट टेबल पे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा पालक तोड़ा गमलों से, क्योंकि मैंने सोच रही हूँ सरसों का साग कल की तैयारी करूँ, तो मेरा यहाँ पालक लगा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इधर से पालक ही तोड़ दिया जाए। थोड़ा थोड़ी इसमें मेथी भी आ रखी थी, तो मैंने सारा पालक मेथी सब तोड़ के फिर ये कल साग बना दूंगी। मैं फिर से वापस आ गया हूँ, मेरी एक दो कॉल्स लग गई थी, तब तक देखा कि रोमा ने हमारी बागवानी में से पालक को उतर के रख दिया है। पालक काटी है मैंने, धो के रख दी, और उसे मैं आप काट के फ्रोजन कर दूंगी। और पालक कहाँ से काटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा गमला, ये पूरा गमला इसने पालक उगी हुई थी सारा इसने साफ कर। अब ये मेरे टमाटर आ रहे हैं, टमाटर का पेड़ है, ये टमाटर आ रहे हैं, ये मूली आ रही है, ये हरी मिर्च आ रही है। हाँ गई है हरी मिर्च, देखो कितनी बड़ी बड़ी हरी मिर्च है मेरे पास, ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च आ रही है, सारी आ रही है अभी बागवानी में, तो बिल्कुल परफेक्ट है रूमा। तो दोस्तों अब हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, चाय पी चुके हैं, सारे काम आपको बागवानी रोमा की दिखा दी,
अब हम अपने नहाने धोने की तैयारी करते हैं और फिर आपको मिलते हैं कल ऑटो एक्सपो में। तब तक के लिए गुड डे, शबा खैर, अलविदा। तो दोस्तों, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल योगेश भाटिया।